मूसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख लें। ईसा का रूपांतरण। 6 दिन बाद ईसा ने पैतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पैतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा करते, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। एलियस की समस्या। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, फिर मानव पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसा लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। अपदूत ग्रस्त लड़का। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वो जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लोटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे
कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अब्दूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्ला कर और लड़के को मरोड़ कर से निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे ये मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। दुख भोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन? वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। उदारता। योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। मसीह के शिष्यों का उपकार। जो तुम्हें एक प्याला पानी
इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। बुरा उदाहरण, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उन पर पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो।